मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिए हैं बैठक। रिफाइनरी की प्रगति को लेकर की समीक्षा। एचपीसीएल को दिए कार्य में तेजी लाने के निर्देश। सीएस सुधांश पंत समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। भाजपा की दिल्ली में संकल्प समिति की बैठक। राजस्थान के नेताओं के लिए बैठक में सुझाव। प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे मोदी की गारंटी से जुड़े प्रचार। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने दिया इस्तीफा। कहा, मेरे लिए पद नहीं, राज्य की क्रिकेट और खिलाड़ियों का भविष्य महत्वपूर्ण। सरकार बदलने के बाद से आरसीए के साथ द्वेष भावना से कार्रवाई की शुरू। रागपुरा में युवती से दुष्कर्म और हमले का मामला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर ली स्वास्थ्य की जानकारी। डॉक्टर से की बातचीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा रेल मंडल को भी कई बड़ी सौगातें दी। मंडल के बूंदी और झालावाड़ सिटी स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों के लिए शिलान्यास के साथ ही कोटा रेल मंडल के 12 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वर्चुअल तौर पर शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान बूंदी स्टेशन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला स्थानीय विधायकों के साथ मौजूद रहे तो झालावाड़ स्टेशन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह जुड़े। समारोह में देश के रेल तंत्र को 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की लगभग 2,000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सौगात मिली। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा मंडल के बूंदी स्टेशन पर 7.82 करोड़ और झालावाड़ सिटी स्टेशन के पुनर्निर्माण पर 17.058 करोड़ खर्च होंगे। बिरला ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री के रेल विकास कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि देश के रेल तंत्र के विकास की दिशा में सर्वश्रेष्ठ काम हो रहा है। आज पूरे देश के अंदर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल रही है। वंदे मातरम जैसी ट्रेनें चल रही है। ब्रॉड गेज में बड़े व्यापक रूप में बड़े किलोमीटर में परिवर्तन हो रहा है और जहाँ जहाँ भी रेलवे स्टेशन या नई रेल लाइन की आवश्यकता रेल में डाली जा रही है। आने वाले समय में विश्व में आज भी सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में है। आने वाले समय के अंदर हम रेल के अंदर यात्रियों को और बेहतर सुविधा देंगे। ये प्रधानमंत्री जी का एक विचार है, सपना है, संकल्प है। उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर रेल विभाग में बहुत सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेलवे को आज 41,000 करोड़ की 2,000 से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का भी वर्चुअली शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिरकत की। इस दौरान वे भावुक हो गए। उन्होंने अपने बड़े भाई स्वर्गीय माधव राव सिंधिया को याद किया। कहा, दादा भले ही कांग्रेस में थे लेकिन झालावाड़ में रेल का सपना साकार करने में मेरी बड़ी मदद की, पर अफसोस कि आज वो हमारे बीच नहीं है। वे होते तो झालावाड़ में रेल सेवा देख बहुत खुश होते। साथ ही रामगंज मंडी भोपाल परियोजना और झालावाड़ आगर उज्जैन रेल लाइन के फाइनल सर्वे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह, क्षेत्रीय रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य धीरज गुप्ता, आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्याम शर्मा, विधायक कालू मेघवाल, गोविंद रानीपुरिया, कंवरलाल मीणा, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर भी मौजूद रहे। कम्युनिकेशन के 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहले रोड। अब आपके रोड तो कैसे कैसे बदल गए हैं। जो पुराने रास्ते हम जानते थे वो तो आप लोग कई हैं जिनको समझ में नहीं आएगा। नए जन रास्ते जो है वो हम समझ नहीं पा रहे जो आप नए रास्ते अब देख रहे हैं। पूरी शक्ल बदल गई है। क्या सपना, आपको सोचा भी नहीं था कि इसको इतने समय लगेगा, परंतु आज वो सपना पूरा होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। इतने सारे स्टॉपेजेस हो गए हैं और लोगों को रेल की सुविधा अब हासिल हो गई। हमने ये भी क्रॉस किया है कि मंदिरों को जोड़ने का काम भी कर दिया है। आगे हमारा प्रयास ये है कि जो हमारा भव्य राम मंदिर बना है
जो भव्य राम मंदिर के क्षेत्र में अयोध्या में भी हमारे इस क्षेत्र से हमारे लोग जाएंगे तो बड़ा अच्छा काम होगा। हमारे इस क्षेत्र में राम मंदिर जो ट्रेन लाइन है ये लगभग कई हजार करोड़ की राशि आपने आपके कर कमलों के द्वारा अपने कर के दिया है। मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा के कर कमलों के द्वारा, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के कर कमलों के द्वारा और उनके निगाह में हमने पूरे क्षेत्र में काम करने का प्रयास किए हैं। फतेहपुर शेखावाटी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जयपुर मंडल के फतेहपुर शेखावाटी रेलवे स्टेशन का 15.57 करोड़ की लागत से पुनर्विकास, रेलवे फ्लाईओवर अंडरपास का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वर्चुअल लोकार्पण किया गया। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि सांसद झुंझुनू नरेंद्र खीचड़, रेलवे अधिकारी पीयूष जोशी, श्रवण चौधरी, तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर, सभापति मुस्ताक नजमी मौजूद रहे। राजस्थान में भी रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर और उन्नत बनाने की दिशा में जयपुर रेल मंडल के 16 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जाएगा। साथ ही विभिन्न संपार फाटकों पर आरओबी आरयूबी या फिर सीमित ऊंचाई के पुल बनाने का कार्य किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के 24 स्टेशन और 105 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली लोकार्पण किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 500 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण आज नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे रेलवे मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फतेहपुर की शेखावटी में 18 रोड के लगभग रुपये लगा कर इसका विकास किया, पुनर्विकास किया स्टेशन का। मिला लोकसभा फतेहपुर शेखावाटी को आपने एक अच्छा बजट दिलाया, इसलिए हम MP साहब आभारी हैं और निश्चित रूप से बड़े सपने, अभी जो कहा मोदी जी ने आपने सुना कि भारत बड़े सपने देख रहा है और बड़े सपने आज तभी देख पाता है जब उसकी सोच बड़ी हो, कार्य क्षमता बड़ी हो। तो एक बार हम फतेहपुर की तरफ से पूरी लोकसभा झुंझुनू की तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हमें अच्छी सौगात दी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 27 राज्यों के करीब 554 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प, शिलान्यास और का लोकार्पण किया, जिसमें ब्यावर रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया। इसके तहत ब्यावर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति नरेश कनौजिया, अजमेर भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, SP नरेंद्र सिंह, ASP हिमांशु जांगिड़, SDM गौरव बुडानिया सहित रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश एक विकसित राष्ट्र के अग्रसर है, उसमें रेल परियोजनाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी क्रम में आज पूरे हमारे रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजना को देश को समर्पित किया है। उसमें हमारे ब्यावर में भी 15.5 करोड़ रुपए की लागत से जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, पिछले साल उन्होंने इनका शिलान्यास किया था, आज उद्घाटन कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये देश के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जहाँ इतने हजारों करोड़ की परियोजना को एक साथ देश को। पर्यटन विभाग के आउटलुक के समन्वय से इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड्स राजस्थान 2023 के सेकेंड एडिशन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की, जिन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक चुनौती है, इससे प्लैनेट को बचाने के लिए हमें युद्ध की तरह इन चुनौतियों से लड़ना होगा। पेश है इस पर खास रिपोर्ट। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड राजस्थान 2023 का सेकंड सेशन समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया, कहा कि हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए, पानी और बिजली बचाने होंगे, पर्यावरण को बचाना होगा, ऑर्गेनिक चीजों के उपयोग को बढ़ावा देना होगा और रिसाइकिल और रीयूज पर लक्षित होना होगा।
तभी हम हमारी धरती माँ को बचा सकते हैं। पर्यटन स्थलों पर सभी तरह की सुविधाएं विकसित हो, पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें संपूर्ण आतिथ्य के भाव की अनुभूति हो, ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की अवधारणा है। इस दौरान उन्होंने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सभी मीडिया हाउसों से भी आह्वान किया कि वो बेहतर मीडिया कवरेज में अपना योगदान दें। पर्यटन से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट के रूप में उभारना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने पर्यटन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड के द्वितीय संस्करण में इस बार 400 प्रविष्टियां आई, जो कि पिछले साल 100 ही थी। राजस्थान का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट के रूप में उभरने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है, जिस पर हम सबको मिलकर काम करना होगा और राज्य को पर्यटन की दृष्टि से सिरमौर बनाने के लिए हर बेहतर प्रयास किया जाना है। पर्यटन विभाग के निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने समारोह में सहभागियों का धन्यवाद दिया और कहा कि आप सब के योगदान से इस तरह के आयोजन कर हम पर्यटन के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। उन्होंने ज्यूरी का धन्यवाद दिया कि पारदर्शिता के साथ पुरस्कारों के योग्य प्रतिभागियों का चयन किया। इस अवसर पर आउटलुक ग्रुप के सीईओ इंद्राणी रॉय ने कहा कि रिस्पॉन्सिबल पर्यटन आज के समय की जरूरत है, मीडिया को भी इसको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। राजस्थान टूरिज्म ने इस जिम्मेदारी को समझा और शानदार काम किया जा रहा है। पर्यटन से जुड़े प्रत्येक छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखकर ही रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। समारोह में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक सुमिता सरोच, पुनीता सिंह, उपनिदेशक दिलीप सिंह, उपेंद्र सिंह शेखावत और अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट न्यूज, जयपुर। राजस्थान की क्रिकेट टीम को एक बार फिर से रणजी के रन में शर्मसार होना पड़ा। टीम लीग दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पिछले एक दशक में राजस्थान टीम सिर्फ एक बार नॉकआउट में जगह बना सकी थी, लेकिन अब टीम चयन में सिफारिशी खेल ने टीम को बिखेर दिया। हालात तो ये है कि टीम का एक भी बल्लेबाज इस बार रणजी के टॉप 90 खिलाड़ियों में भी जगह नहीं बना सका। राजस्थान क्रिकेट संघ में चल रहे घमासान का टीम के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 90 साल के रणजी के इतिहास में 10 बार फाइनल खेलने वाली और 2 बार चैंपियन बनने वाली राजस्थान की रणजी टीम अपने बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले एक दशक में राजस्थान रणजी टीम के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2019 को छोड़कर टीम नॉकआउट राउंड में ही नहीं पहुंची, यानी राजस्थान की टीम क्वार्टर फाइनल मैच तक नहीं खेल सकी। बता दें कि साल 2011 और 2012 में राजस्थान रणजी टीम 2 बार लगातार चैंपियन बनी थी। उन 2 सालों में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जिसे राजस्थान के खिलाड़ियों ने नहीं बनाया था, लेकिन उसके बाद टीम में लगातार गिरावट आती गई। कारण साफ था कि टीम चयन में दखलंदाजी इतनी ज्यादा हो गई, कुछ खिलाड़ियों को राजस्थान छोड़कर जाना पड़ा। टीम इंडिया में खेलने वाले स्पिनर रवि विश्नोई को राजस्थान टीम में जगह नहीं दी जा रही थी। कप्तान अशोक मेनारिया और कमलेश नागरकोटी जैसे खिलाड़ियों को भी दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ी। अशोक मेनारिया वह खिलाड़ी है जिसने अपनी बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान को 2 बार रणजी चैंपियन बनाया था। 90 साल के रणजी इतिहास में 10 बार फाइनल खेला राजस्थान की टीम ने। साल 2011 और 2012 में लगातार 2 बार चैंपियन बनी थी राजस्थान की टीम। राजस्थान ने 1961 से 1964 तक लगातार फाइनल खेला था। 2012 के बाद राजस्थान टीम के प्रदर्शन में गिरावट दर्ज होती गई। टीम चयन में प्रबंधन की दखलंदाजी बढ़ती गई। अशोक मेनारिया और रवि बिश्नोई को टीम में जगह नहीं मिलने पर राजस्थान छोड़कर जाना पड़ा। इस साल रणजी ट्रॉफी में राजस्थान की टीम खराब प्रदर्शन के चलते लीग दौरे में ही बाहर हो गई। राजस्थान के एलीट ग्रुप ए में 8 टीमें हैं। राजस्थान को 7 मैच खेलने का मौका मिला। इन 7 में से 2 मैच राजस्थान ने जीते और 2 मैच हारे, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे। साल 2024 में राजस्थान क्रिकेट टीम का खराब प्रदर्शन। राजस्थान क्रिकेट टीम 8 टीमों के ग्रुप में 5वें नंबर पर रही। एलीट ग्रुप ए में 5वें नंबर पर रहा राजस्थान। 7 में से 2 मैच जीते, 2 हारे, 3 मैच ड्रॉ रहे। हरियाणा, सर्विसेज और विदर्भ से ड्रॉ खेला। मणिपुर और महाराष्ट्र को राजस्थान ने हराया। झारखंड और सौराष्ट्र से राजस्थान की टीम को हार मिली। पिछले 2 साल से राजस्थान का मेहमान कप्तान पूरे मैच ही नहीं खेल रहा।
एक भी बल्लेबाज रणजी सीजन में टॉप 90 में जगह नहीं बना सका। राजस्थान का एक भी गेंदबाज टॉप 30 में शामिल नहीं हुआ। पूरे टूर्नामेंट पे राजस्थान ने 20 से अधिक खिलाड़ियों को आजमाया। करीब 6 सिफारिशी खिलाड़ी भी थे राजस्थान टीम में। कुछ को मैदान में उतारे बिना ही रणजी का सर्टिफिकेट दिला दिया, कुछ को एक एक मैच खिलाकर रणजी का तमगा दिला दिया। चयन समिति 15 सदस्यीय टीम चयन कर दी। आरसीए की दखलंदाजी से कागजों पर टीम 18 से 20 खिलाड़ियों की बन जाती। खुद चयनकर्ताओं को ही पता नहीं लगता कि ये मेहमान खिलाड़ी आए कहां से। बहरहाल राजस्थान टीम में एक खिलाड़ी तो 5 साल से टीम के साथ सिर्फ भ्रमण कर रहा था। मीडिया में मामला सामने आने के बाद इस साल अंतिम मैच में मैदान में उतार दिया। चयन सिफारिश से था तो अच्छे प्रदर्शन की तो उम्मीद तक नहीं थी। राजस्थान की रणजी टीम को एक बार फिर पुराने दौर जैसा प्रदर्शन कराना है तो आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। चयन समिति को स्वतंत्र करना होगा और पदाधिकारियों की दखलंदाजी बंद करनी होगी और राजस्थान की प्रतिभाओं को राजस्थान से पलायन करने से रोकना होगा, क्योंकि राजस्थान का पुराना इतिहास रणजी क्रिकेट में अच्छा रहा है, लेकिन अब सिफारिशी खिलाड़ियों की भरमार के कारण से राजस्थान का प्रदर्शन बेहद खराब हो रहा है। अब ज़रूरत है कि वास्तव में अच्छे प्रदर्शन वाले खिलाड़ी ही टीम का हिस्सा बने और सिफारिशी खिलाड़ियों को दूर रखा जाए। अब देखना यह है कि अगले रणजी सत्र के लिए राजस्थान क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी और अन्य सपोर्ट स्टाफ किस तरह से राजस्थान को बेहतरीन प्रदर्शन कराने के लिए बड़े फैसले करते हैं। कैमरामैन तीर्थ के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। 2 मार्च से जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन होगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में थीम सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल होगी। इस कार्यक्रम को लेकर महापौर डॉक्टर सौम्या ने मीडिया से बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से नवाचार करते हुए 2 से 4 मार्च तक नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया जाएगा। महापौर डॉक्टर सौम्या ने बताया कि महिला कौशल से सफलता और सम्मान का महोत्सव, संस्कृति और शक्ति का अद्भुत संगम शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह आयोजन महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त कर समृद्ध समाज का निर्माण करना है। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सशक्तिकरण को दृष्टिगत रखते हुए शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनी और टॉक शो का आयोजन भी होगा। 3 दिवसीय नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में कुल 9 सेगमेंट होंगे। कार्यक्रम में महिलाओं की ओर से 300 स्टॉल्स लगाई जाएंगी। कार्यक्रम में प्रत्येक दिन रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन होंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन 51 महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। समापन समारोह के दिन अभिनेत्री मंदिरा बेदी भी शिरकत करेंगी। प्रदर्शनी के अंदर हमने 9 सेगमेंट रखे हैं, जिसे नव दुर्गा है वैसे प्रदर्शनी के भी हमारे 9 सेगमेंट है। पहला हमारा सृजन है। जो महिलाएं चाहे दीपक बना रही हो या और कोई चीज़ को सृजित कर रही हो, हैंडीक्राफ्ट से बनाने वाली चीज़ें हो गई, वो हाथों से जो बनाते हैं, सृजित करते हैं, उसको हमने सृजन के अंदर रखा है। इस कार्यक्रम में सृजन, श्रियनम, वस्त्रम, सौंदर्यम, हरितम, स्वच्छ भारत, रत्नम, वेस्ट टू वेल्थ संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ शिल्पग्राम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की 300 स्टॉल्स लगाई जाएंगी, जिसमें महिलाओं के रचनात्मक और कौशल से प्रेरित उत्पाद महिलाओं के द्वारा ही बेचे जाएंगे। महापौर डॉक्टर सौम्या ने बताया कि स्टॉल लगाने वाली महिलाओं के साथ साथ कार्यक्रम में आने वाली हर महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम चिट्ठी लिखेंगी। इस चिट्ठी में पीएम मोदी के अब तक के महिला क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा करते हुए अन्य अपेक्षाओं का उल्लेख करेंगी। इसी के साथ हस्ताक्षर अभियान में महिलाएं संदेश सहित अपने हस्ताक्षर भी करेगी। द्वितीय जो हमारा सेगमेंट है वो है श्री अन्नम। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी किस तरह श्री अन्न की पूरे विश्व के अंदर प्रचार और प्रसार हो रहा है। जहाँ G20 की सफल अध्यक्षता की भारत ने, वो G20 के अंदर पूरे विश्व के मेहमानों ने श्री अन्न का स्वाद चखा और चख कर वो अपने देश के अंदर भी इसको लेकर गए पूरे विश्व के अंदर। जहाँ हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारा श्री अन्न पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में ऐसी महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा जो समाज के लिए प्रेरणादायी है, जिन्होंने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए
सफलता के शिखर को छुआ है। फर्स्ट इंडिया के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर का रुख करते हैं नागौर में। निजी बस और एक ट्रेलर की भिड़ंत, हादसे में ट्रेलर चालक और एक बस यात्री की मौत। नागौर में भुंडेल फलौदी रोड पर यह हादसा हुआ। निजी बस सवार 4-5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर से गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया। सूचना मिलने के बाद पांचौड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वेस्ट के रूप में राजेश यादव ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पश्चिमी जिले के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उन्हीं के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए साफ कर दिया कि अपराधियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों में भय और जनता में विश्वास के आधार पर पुलिसिंग की जाएगी और जनता की सुनवाई पहली प्राथमिकता होगी। रात्रि गश्त से लेकर वांछित अपराधियों की धरपकड़ पर विशेष फोकस रहेगा। इस मौके पर राजेश यादव से खास बातचीत की सहयोगी राजीव गौड़ ने। लोकसभा चुनाव से पहले पूरे राजस्थान के अंदर पुलिस अधीक्षकों से लेकर के डीआईजी और आईजी बदले गए हैं, पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। उसके साथ ही के बाद जोधपुर की करें, डीसीपी वेस्ट के रूप में राजेश यादव, जो जमीनी स्तर पर जुड़ी पुलिसिंग करने के लिए विख्यात रहे, राजस्थान के विभिन्न जिलों में सेवाएं देने के बाद में जोधपुर वासियों को उम्मीद है कि वेस्ट का जो इलाका है उस इलाके में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ में चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की जो आपकी प्राथमिकता है जो रहेंगे डीसीपी के रूप में? मैं 20 साल पहले यहाँ जोधपुर के ग्रामीण के अंदर एडिशन वो सीईओ रहा हूँ यहाँ पे ब्लाडा के अंदर 2000 से 2003, वो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी और इतने लंबे समय बाद मैं वापस जोधपुर में आया हूँ। मेरी बेसिक प्रायोरिटीज़ जो रहेंगी वो ये, सबसे पहले तो कि लोगों की सुनवाई हो ढंग से, हर स्तर सक्षम स्तर पर सुनवाई हो और उसकी समस्या का समाधान भी हो, उसको बिना वा इधर उधर चक्कर नहीं काटना पड़े। सेकेंड प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि जो अपराधी है तत्व है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई, ताकि हमारा ध्येय वाक्य भी है ये कि अपराधियों में भय होना चाहिए, तो मेरा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के ऊपर बहुत अधिक जोर रहेगा। लेकिन सुना है कि आप रात्रि गश्त को निकल जाते हैं कभी 12 बजे कभी सुबह तड़के 4 बजे, तो आपको लगता है वो दृश्य भी यहीं देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कार्रवाई चलती रहेंगी, औचक निरीक्षण, औचक गश्त, ये सब चलेगा और उसमें जो गलती पे पाई जाए उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक इत्तेफाक है कि जो कमिश्नर हैं वो भी नीचे से आगे बढ़े हैं और जो दूसरे डीसीपी हैं आप, तीनों की समानता है, आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा और कानून शांति व्यवस्था, लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है, उसको अच्छे से पार लगाएंगे? बिल्कुल, मैं अभी भी चुनाव करा के आया हूँ विधानसभा का गंगापुर सिटी के अंदर, वैसे थोड़ा सेंसिटिव एरिया है वो, तो वहाँ हमने सक्सेसफुल चुनाव करवाए, बहुत शांतिपूर्ण चुनाव करवाए और हमें आशा है कि साहब के कमिश्नर साहब के निर्देशन में हम बिल्कुल यहाँ भी पूर्ण शांति से चुनाव करा पाएंगे। लेकिन जोधपुर में कमिश्नरेट है, अब तक जिले होना अलग विषय है, कमिश्नरेट बड़ा है, तो ऐसे में चुनौतियां भी खूब सर, क्योंकि माफिया है, संगठित अपराध है, उनको लेकर के किस तरह का आपका एक्शन और वर्क रहेगा? बिल्कुल, इसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, जो भी पूर्व में चालानशुदा व्यक्ति रहे उनकी निगरानी की जाएगी और जो अभी जो चल रहा होगा उसके ऊपर कार्रवाई, स्ट्रांग स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी और गलत अवांछित गतिविधियां नहीं होने दी जाएगी हमारे इलाके में कम से कम। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चेहरे का तेज है और साथ में कॉन्फिडेंस के साथ में अपने अनुभवों के साथ में दो बातें साफ कर दी है कि अपराधियों में भय और जनता में विश्वास, सुनवाई को लेकर के जिस तरीके से सरकार की प्राथमिकता यही है कि जनता की सुनी जाए, कानून और शांति व्यवस्था कंट्रोल होना चाहिए। रात को जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी गश्त से जी चुराते हैं वो सावधान हो जाएं और जो अपराधी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं वो कम से कम डेरा बदल लें, क्योंकि अब राजेश यादव आ गए हैं, ये पुराने जो अपराधी हैं वो अच्छे से जानते हैं और के जो पुराने अपराधी हैं वो जब जानते हैं तो बाकी जोधपुर के अपराधी वो भी जान जाएंगे। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ में जो बड़े बड़े अपराध पनप रहे हैं उनको कंट्रोलिंग करने के लिए तीनों अधिकारियों की जो त्रिवेणी है वो किस तरह के परिणाम लेकर के आती है। शिवान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आचार्य विद्यासागर महाराज को देश की बड़ी पूंजी और सच्चा देशभक्त बताते हुए कहा कि दुनिया को उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। भागवत ने नागपुर के चिटनिस पार्क में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि महोत्सव के तहत आयोजित विनयांजलि सभा में ये बात कही। उन्होंने कहा कि विद्यासागर जी महाराज के दर्शन मात्र से अनगिनत लोगों के जीवन में स्थिरता आ जाती थी, वे वास्तव में एक सच्चे देशभक्त थे। उनकी कही बात को तर्क से नकारना संभव नहीं होता है, परंतु केवल इतना नहीं था, उस तर्क के पीछे भी उनकी एक सहज आत्मीयता ध्यान में आती थी, यानी अपनेपन की बात होती थी। ये मैं तो पहली बार मिला था और वैसे आत्मीयता होने की कोई वजह नहीं थी,
कोई दीर्घकाल का संबंध आना जाना नहीं था, कुछ नहीं था। परंतु ये ध्यान में आया, संतों के बारे में ऐसा कहते हैं कि ऐसी कड़वड़ियाची जाति लाभावीण करी प्रीति। जोधपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख लीला मदीना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सभी अधिकारी संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से समन्वय के साथ कार्य करें और जनहितकारी योजनाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। बैठक में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर ग्रामीण सीमा कविया को निर्देश दिए कि वे संबंधित एसडीएम बीडीओ के द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वर्ष 2022-23 के दौरान पाला पड़ने पर दी जाने वाली अनुदान राशि के वितरण की भी रिपोर्ट दें। अपने अपने बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए और सभी ने कोऑर्डिनेट रिलेशन में जोधपुर जिले में जनता के हित के काम जल्दी से जल्दी हो, पूर्ण हो, प्रभावी रूप से हो और साथ ही साथ जो डीएलपी की रोड है जिसमें जिम्मेवारी ठेकेदार की होती है, परंतु वो विभाग के अधिकारियों से मिलकर के बिना दुरुस्त किए ही या बिना पूर्ण रूप से ठीक किए ही विभाग को सुपुर्द कर देता, उसको भी लिया है, उसकी लिस्ट बढ़ाने का भी कहा है और जितनी भी 139 डीएलपी की रोड है वो एकदम दुरुस्त रहे, ऐसा निर्देश भी दिया गया है। हमारे यहाँ कंटीजेंसी प्लान बनाने के विभाग के सभी अधिकारियों को दिए गए और तुरंत ही विभाग के अधिकारी कंटीजेंसी प्लान के तहत जहाँ टैंकर से पानी भेजना है, विशेष पाइपलाइन लगानी है या और कोई व्यवस्था करनी है, वो तुरंत प्रभाव से घर में पूरे गर्मी में जोधपुर जिले में किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में पेयजल की किल्लत नहीं हो, इसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं और व्यवस्था करेंगे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का फेसबुक पेज हैक, असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ देर के लिए उनके फेसबुक पेज को हैक कर लिया गया। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने यूजर से आग्रह किया कि किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाओं से वो बचें। हालांकि भाटी की सोशल मीडिया टीम ने कुछ देर के बाद फेसबुक पेज को रिकवर कर लिया। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह भाटी, आप सब साथियों निवेदन करना चाहूँ कि मारो फेसबुक अकाउंट जो है वो कोई असामाजिक तत्वों द्वारा हैक कर लियो गया है। हमारी आईटी टीम पूरे तरीके में लागी हुई है कि जल्दी मैं रिकवर करा। उग्र माता कोई भी अगर एडी कोई भ्रामक सूचना आवे तो आप निवेदन है मारो कि आप उन्हें अवॉइड करवाया। थैंक यू। जयपुर के नरेना में दादू मेला महाकुंभ के सत्संग पांडाल का भूमि पूजन किया गया। दादू पंथ संप्रदाय के आचार्य ओम प्रकाश दास जी महाराज ने भूमि पूजन किया। महंत गोवर्धन दास जी महाराज, महंत लक्ष्मण दास जी, मेड़ता महंत हरिनारायण, दादूपंथी नरेना व्यवस्थापक हरिओम स्वामी, महेश दास स्वामी, गोविंदा स्वामी सहित श्रद्धालु कार्यक्रम में उपस्थित रहे। नायला से 16 दिन पहले गुमशुदा हुआ बच्चा सनी शर्मा सकुशल गुजरात में मिल गया। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने कानोता थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन और समस्त समाज का आभार व्यक्त किया। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार भी व्यक्त करते नजर आए। साथ ही उन्होंने समस्त देशवासियों को विश्वास दिलाया कि अब प्रदेश में उनके हाथों में पूर्णतया सुरक्षित है। पुलिस प्रशासन और शासन के साथ सभी नागरिकों का ब्राह्मण समाज की ओर से धन्यवाद है जो कि इस बच्चे को ढूंढने में दिन रात लगी रही। जयपुर शहर के नजदीक जल्द ही हाईटेक सिटी आकार लेगी और इसके लिए जेडीए की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। उपायुक्त लैंड बैंक कमलकांत वर्मा की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में निदेशक नगर आयोजना विनय कुमार दलीला, निदेशक अभियांत्रिकी अजय गर्ग और अतिरिक्त आयुक्त भूमि को शामिल किया गया। ये कमेटी आगामी 15 दिन में हाईटेक सिटी सृजित करने के लिए स्थान का चयन करेगी। साथ ही आगामी एक महीने में हाईटेक सिटी के सृजन के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 8 फरवरी को विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष का लेखानुदान पेश करते समय जयपुर शहर के नजदीक हाईटेक सिटी बनाने की घोषणा की। इस घोषणा के मुताबिक इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि नए जमाने के विषयों से संबंधित संस्थान या कंपनी स्थापित करने पर उद्यमियों को सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। यहाँ वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। जयपुर के होटल क्लार्क समिट में इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड 2023
राजस्थान के दूसरे एडिशन का आयोजन हुआ। इस अवार्ड समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पर्यटन विभाग प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, पर्यटन विभाग निदेशक रश्मि शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। समारोह में पर्यटन व्यवसाय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवार्ड समारोह में 6 अलग अलग कैटेगरी में लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन आउटलुक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की ओर से किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने संबोधित करते हुए कहा कि क्लाइमेट चेंज की चुनौती वर्तमान में एक युद्ध की तरह है, हम सभी को मिलकर इस चुनौती का सामना करना है। ये सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग हर चीज़ को रीयूज करें, रिसाइकिल करें, ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करें जिससे कि इन्वायरमेंट पल्यूट होता है। तो ये चीज़ हमको हमारे जीवन में अपनानी होगी, लाइफस्टाइल चेंज करने पड़ेंगे, तो इसमें सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी जाके ये बदलाव आएगा। लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं आउटलुक को धन्यवाद देना चाहूँगी। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगी। हम लोग, जैसे आपने देखा इस बार हमारे जो केंद्रीय बजट है और फिर उसके बाद राजस्थान के बजट में भी सोलर पे हमने बहुत एम्फसाइज किया गया है कि आप सोलर को अपनाएं, जितना हो सके उतने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोगों को उसमें स्विच करना चाहिए। बांदीकुई सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर कोलाना स्थित नए भवन में बांदीकुई कोर्ट की शिफ्टिंग हो गई। नए भवन में विधिवत पूजा कर इसका शुभारंभ किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश दौसा राजेंद्र कुमार के द्वारा कोर्ट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अपर जिला व सेशन न्यायाधीश तथा मनोज मीना, अपर जिला व सेशन न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति चौधरी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि शर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नवनिर्मित कोर्ट भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर कोलाना में करीब 15 बीघा भूमि पर 2 मंजिला कोर्ट भवन बना है। भजनलाल शर्मा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी में कार्य में तेजी लाते हुए इस दीपावली से पहले से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिफाइनरी में बनने वाले उत्पादों की बिक्री समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल को निवेशकों से लॉन्ग टर्म सप्लाई समझौते अभी से करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के साथ पचपदरा रिफाइनरी की प्रगति के संबंध पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी में 9 MMPTA क्रूड ऑयल, 2.4 MMPTA पेट्रोकेमिकल को प्रोसेस करने की क्षमता विकसित की जा रही है। इसमें अपने तरह का पहला इंटीग्रेटेड ग्रास रूट रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजना में 4 यूनिट्स और 7 पैकेजेस में 90% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 24,000 प्रत्यक्ष और 35,000 अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजना से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 6,000 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिल रहा है। साथ ही राजस्थान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। सीएम शर्मा ने एचपीसीएल को रिफाइनरी के लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे यह शीघ्र संचालित हो और देश प्रदेश को आवश्यकता अनुरूप तेल की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में पेट्रोल और डीजल के अतिरिक्त 35 पेट्रोकेमिकल और अन्य उत्पादों का उत्पादन होगा। इन उत्पादों से बनने वाले पदार्थों की संख्या 3 गुना अधिक हो सकती है। मुख्यमंत्री ने एचपीसीएल को इन उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। इससे रिफाइनरी शुरू होने से पहले ही क्षेत्र में इंडस्ट्रीज स्थापित हो सकेगी। इससे पूर्व एचपीसीएल के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से परियोजना की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसमें बताया कि मुंदड़ा गुजरात से 487 किलोमीटर की क्रूड ऑयल की लाइन, नाचना जैसलमेर से 230 किलोमीटर पाइप की लाइन, मंगला बाड़मेर से 75 किलोमीटर की क्रूड ऑयल लाइन, बागोड़ा जालोर से 85 किलोमीटर की नेचुरल गैस लाइन तथा पालनपुर गुजरात से 216 किलोमीटर की प्रोडक्ट लाइन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, खान एवं पेट्रोलियम सचिव आनंदी, खान एवं भूविज्ञान निदेशक भगवती प्रसाद कराल, एचपीसीएल के सीएमडी पुष्प जोशी और एचआरआरएल के सीईओ कमलाकर विखर सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। सहयोगी ऋतुराज शर्मा, ऐश्वर्य प्रधान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
लोकसभा चुनाव से पहले ईआरसीपी को लेकर बीजेपी पूरी जनता के बीच उतर गई। चौंक निवाई में आयोजित आभार सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने ईआरसीपी को लेकर कहा कि चंबल नदी का वेस्ट पानी डायवर्ट करके राजस्थान के बांधों और तालाबों तक लाया जाएगा। राज्य मंत्री बेठम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देखो, कांग्रेस की तो मती मारी गई है, हम उनसे क्या कहेंगे जब उन लोगों से भारत सरकार बार बार कहती रही कि आप लेकर के आए, खुद तो लेकर के आए नहीं। वो एमओयू को दिखाने की उसकी क्या बात करेंगे, बहुत जल्दी ही माननीय मोदी जी आकर के शिलान्यास करने वाले हैं, तब उसमें शामिल हो जाना। राम मंदिर बनता है उसमें आप जाते नहीं हैं, सनातन संस्कृति के आप खिलाफ हैं, आपके लोग सनातनियों को कोरोना कहते हैं, आप पानी कोई ला रहा है तो आप एमओयू दिखाइए। आखिर क्या चाहते हैं आप? जनता ने आपको नकार दिया, आपके नेता आपकी डूबती नाव में से छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। आप तसल्ली करिए, सुशासन स्थापित हुआ है भजनलाल जी के नेतृत्व में, राजस्थान दौड़ेगा विकास की दृष्टि से। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर वन राजस्थान बनाने का काम करेंगे। बांसवाड़ा के नीलम नगर इलाके से निकलने वाली माही नहर की वाका अभित्रिका में विभाग के अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के चलते लोगों के जीवन संकट मंडराने लगा है। नहर में मरम्मत को लेकर दिक्कतें लंबे समय से चलती आ रही है। नहर में पानी बहाव की वजह से एक बड़ा गड्ढा हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नहर पर बनी पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और जर्जर हो गई है। कैनाल के दोनों तरफ आवाजाही के रास्ते हैं जिस पर सुरक्षा वॉल नहीं होने से हर दिन दुर्घटना होती रहती है। पिछले 8 दिनों में 2 बाइक सवार और 1 गाय नहर में गिर गई है। इन सभी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि हमारे स्कूल के पास से जो नहर बह रही है उस नहर में कई लोगों ने इलीगल तरीके से नहर को क्रॉस करने के लिए बिजली के पोल या कोई और रस्सियाँ और ये बांध रखी हैं और उसमें आए दिन हम लोगों को डर सा बना रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पिछले कुछ दिनों में ऐसा भी पाया गया है कि कोई स्कूटी सवार और मोटरसाइकिल सवार या कोई इस तरह के हादसे भी यहाँ पे हुए हैं। ये पूरे कैनाल है, वाका अभित्रिका चल रही है, कैनाल है यहाँ पर जैसे, तो यहाँ पर यहाँ जो पुलिया बना हुआ केशव वाटिका के यहाँ पर, ये पुलिया क्षतिग्रस्त है पूरा। इस पुलिया के लिए हमने पहले भी 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, ये पुलिया की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं प्रशासन और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और माई तक भी लेटर गया मेरा, उसके बावजूद भी अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ और न ही इसका रिंग वॉल बन रही है। यहाँ पे आए दिन कोई कोई हादसे होते रहते हैं, जैसे कल यहाँ पर एक गाय गिर गई थी तो गाय को बड़ी मुश्किल से निकाला है, वह मुश्किल निकाला, 2 क्रेन मंगाई, क्रेन के द्वारा निकाला गया उसको। राजसमंद में चोरी की नियत से बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़े युवक की करंट लगने से मौत हो गई। खमनूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने चोर के पास से 2 जरिकेन, पाइप, कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया। शव की शिनाख्त पहचान प्रहलाद सिंह चौहान के रूप में हुई। तो वहीं ट्रांसफार्मर से तेल चुराते समय करंट लगने से प्रहलाद की मौत हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जैसलमेर के राघवा गांव में जमीन को ओरन में शामिल करने के लिए ग्रामीण ओरन से मुख्यालय तक पैदल रवाना हुए। 28 फरवरी को मुख्यालय पर पहुंचकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और राघवा गांव की जमीन को ओरन में शामिल करने की मांग करेंगे। इस पदयात्रा में करीब 500 लोग शामिल रहे। ग्रामीणों ने बताया कि 25,000 बीघा से भी ज्यादा की जमीन जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, सरकार इसे निजी कंपनियों को अलॉट नहीं करके ओरन के नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे। आज 26 फरवरी 2024 को कादराकुआ से जैसलमेर 100 किलोमीटर की कुल पैदल यात्रा ओरन यात्रा शुरू की गई है। हमारी राजस्थान सरकार से यही मांग है कि हमारी ये कादराकुआ पे 25,000 बीघा जो ओरन है, जो हमारे जुजारों के नाम से मुंह बोली ओरन छोड़ी गई है, उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे, न कि यहाँ की सरकारी कंपनियों को दी जाए। इसके लिए मैं सरकार को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये हमारी ओरन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाए। हाँ, कादरा तला हाँ कह जैसे मैं जानो कारण की हमारी इतनी ओरन करने वास्ते पशुपालक में हमारा तला है, मैं कई साल हम बस ले आई पर हमारे लिखित में कोई को नहीं, हमें लिखित नहीं कार्रवाई दे लिए। मैं जैसलमेर तो को प्रतिनिधि है हमारा, वहाँ यह निवेदन है कि हमारा ये कार्य सिद्ध हुआ।
तो वहीं झालावाड़ में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की तीसरी यूनिट की छत्तीसगढ़ जाने को लेकर विरोध जारी है। कालीसिंध थर्मल बचाव समिति के बैनर तले हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। लोगों ने वाहन रैली निकालकर ज्ञापन भी दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत तीसरी यूनिट को छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। अगर कालीसिंध की तीसरी यूनिट झालावाड़ से छत्तीसगढ़ गई तो झालावाड़ जिला बंद किया जाएगा। झालावाड़ में 600 मेगावाट की दो यूनिट 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और चार यूनिट लग सकती है। झालावाड़ जिले में कालीसिंध थर्मल परियोजना की 800 क्रिटिकल यूनिट को छत्तीसगढ़ ले जाने के बाद झालावाड़ जिले में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। संघर्ष समिति बन गई है। अगर जल्द ही संघर्ष समिति इस मामले को लेकर नई रूपरेखा बनाकर झालावाड़ जिला बंद करने की तैयारी है, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मामला है, क्यों विरोध कर रहे हो आप? जब इस जमीन को चार इकाई के लिए एकॉर्ड किया गया था और तीसरी इकाई जब के नाम से गहलोत साहब सरकार ने स्वीकृत करा, इनके आपसी मतभेद की वजह से झालावाड़ की जनता को नुकसान क्यों? अगर तीसरी इकाइयाँ आती है 6000 करोड़ रुपए के हाथ पर होते हैं, उसमें से 6000 करोड़ में से 4000 करोड़ रुपए झालावाड़ जिले की जनता के पास पहुँचेगा, जिसमें चाहे वो बेलदार हो, चाहे कारीगर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किराने वाला हो, चाहे डीजल वाला हो, चाहे क्रेशर वाला हो, हर वर्ग को इससे फ़ायदा है। और इतना बड़ा यूनिटियाँ आई है, इसको छत्तीसगढ़ भेजने का मतलब क्या? इनका कहना मंत्री महोदय का कोयले की खराबी है, तो कोयले में सुधार किया जाए। यहाँ से छत्तीसगढ़ जाने पर हमारे संघर्ष समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया, अगर इसको यहाँ भेजा गया तो झालावाड़ में कल से जैसे के नाम से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, उसके बाद भी ये नहीं मानते तो इसका उग्र आंदोलन हमारे द्वारा किया जाएगा, इसी की जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं मानते तो निश्चित कार्य के लिए झालावाड़ बंद किया जाएगा। क्योंकि कारण ये है कि ये रोजगार का मुद्दा, झालावाड़ में रोजगार के नाम से पहले ही कोई चीज़ नहीं है और झालावाड़ का हर व्यक्ति चक्कर में बैठा हुआ था कि चलो भाई 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है तो झालावाड़ का इससे उद्धार होगा। लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि जिस जो मानसिकता है, आपस में मतभेद हो सकता है लेकिन झालावाड़ की जनता इसका नुकसान क्यों भुगते? अगर ये नहीं मानते और इसको का छत्तीसगढ़ ले जाने की कोशिश करते हैं तो झालावाड़ के शहर का हर नागरिक, हर युवा, हर बेरोजगार, हर किसान, हर व्यापारी वर्ग इसका विरोध करेगा और ऐसा विरोध करेगा राजस्थान में आज तक कोई विरोध नहीं होगा। तो देखने को मिल रहा है जिसकी जमीन गई हो तो दुखी है, साथ ही लोग झालावाड़ जिले वासी भी दुखी है क्योंकि यहाँ से बड़ा प्रोजेक्ट जा रहा है, क्योंकि झालावाड़ जिले में आज तक ऐसी कोई बड़ी परियोजना अभी तक नहीं लगी जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए झालावाड़ से आरिफ मंसूर। जोधपुर शहर के खोखरिया स्थित नांदरा रोड के दोनों तरफ तकरीबन 20 कॉलोनियों में पानी की समस्या बनी हुई है। यहां करीबन 5000 लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। पेयजल की समस्या को लेकर लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पानी की सप्लाई की सुचारू आपूर्ति की मांग की। खोखरिया ग्राम पंचायत सरपंच के नेतृत्व में तकरीबन 200 लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि वो यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से रह रहे हैं लेकिन पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हर महीने उन्हें 2 से 3 हज़ार खर्च कर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत अभी तक क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का कार्य नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द पानी की पाइपलाइन बिछाने और टंकी निर्माण की सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारे कॉलोनी वासियों के लिए पानी की बड़ी समस्या है। कम से कम 15000 घरों की बस्ती है और सभी के बहुत ज़्यादा पानी की तकलीफ है। पिछले 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। शहर वालों को बोलते हैं तो शहर वाले बोलते हैं ग्रामीण में, और ग्रामीण वालों को बोलते हैं तो शहर में। हमारे खोखरिया ग्राम पंचायत के अंदर एक टंकी बनी हुई है, उस टंकी का हमने आज से 2 साल पहले शहर वालों से आके मिले थे तो उन्होंने कहा था कि ये टंकी हमने बना तो दी है मगर ग्राम पंचायत खोखरिया के लिए बनाई है, कॉलोनी वासियों के लिए, और गांव पंचायत के लिए अलग से पानी की टंकी है। आज तक 2 साल से अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कभी तो शहर वाले को कहते हैं, कभी ग्रामीण वाले शहर के लिए बोलते हैं, तो ये समस्या का समाधान कराने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। जोधपुर के एमबीएम यूनिवर्सिटी में छात्राओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले को लेकर विरोध तेज हो गया। कुलपति ऑफिस के बाहर एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, कुलपति से एचओडी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। छात्रों ने नारेबाजी भी की। रजिस्ट्रार मंगलाराम विश्नोई ने स्टूडेंट्स ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने रजिस्ट्रार से कहा कि निलंबित होने के बावजूद एचओडी की ओर से स्टूडेंट को शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है, फेल करने की धमकी दी जा रही है, फिर भी उसे निलंबित कर इतरश्रित कर ली गई। इस पर रजिस्ट्रार ने स्टूडेंट्स को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया लेकिन एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने 48 घंटे में मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अभी हाल ही में छात्रा के साथ छेड़छाड़ वाली घटना हुई है। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि पुलकित गुप्ता को पूरी तरीके से बर्खास्त किया जाए, उसे सिर्फ सस्पेंशन नहीं, उसे पूरी तरीके से टर्मिनेट किया जाए और छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए। और जो जांच प्रक्रिया अभी चल रही है उसे पूरी तरह न्याय मिलना चाहिए छात्राओं को, यही हमारी मांग है।
एमएसपी कानून लागू करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनूपगढ़ में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और प्रशासन के समक्ष रोष व्यक्त करते हुए एमएसपी कानून लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं सिंचाई के पानी की मांग को लेकर जिला प्रशासन के समक्ष दोहराया। उन्होंने बताया कि अगर जिला प्रशासन किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध नहीं करवाएगा तो किसानों की फसलें खराब हो जाएंगी। ऐसे में जिला प्रशासन को भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।